किंतु माता, आप तो स्वयं अन्नपूर्णा है, तो कैसी चिंता? और आपके होते हुए भोजन का अभाव कभी नहीं होता। यही तो विडंबना है नंदी, हम अन्नपूर्णा अवश्य हैं, और ये सत्य है कि हमारे होते हुए भोजन का अभाव कभी नहीं हो सकता। किंतु यहाँ समस्या दूसरी है नंदी। मैं कुछ समझा नहीं माता, आप किस समस्या के और संकेत कर रहे हैं? नंदी, खीर तो हम भी बनाते हैं, किंतु महादेव को माँ द्वारा बनाई हुई खीर ही अधिक स्वादिष्ट लगती है। उसी प्रकार लड्डू हम भी बना सकते हैं, किंतु गणेश ने सदैव माँ के हाथों के बनाए हुए लड्डुओं का ही सेवन किया है। कदाचित उसे हमारे हाथों के लड्डू में स्वादिष्ट ना लगे। तो अब हम क्या करें माता? हाथी का शीश लगने के पश्चात उनकी शुदा भी हाथी के समान हो गई है, और यदि हम आपके माता के भवन में जाकर लड्डू ले भी आते हैं, तो मुझे संदेह है माता कि गणेश इतने समय तक प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे। हमारे पुत्र की शुदा पूर्ति में हमें आपकी सहायता चाहिए। क्या देख रहे हो पुत्र? यही कि आपने जो भी धारण किया है वो क्यों किया है? ऐसी वेशभूषा तो किसी की भी नहीं है। अरे, आप केवल मुस्कुरा रहे हैं। जब से आपके दर्शन हुए हैं, तब से ये प्रश्न मेरे मन में है, और इसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। तुम्हें मुझसे जो भी पूछना है संकोच होके पूछो। तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है।
जिज्ञासा को शांत करना है मुझे। हाँ, तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी माता बहुत सुंदर है। हाँ, माता इतनी सुंदर है, श्रृंगार करती है, किंतु आप जटाधारी जोगिया वेश में क्यों रहते हैं? तात्पर्य ये है कि कहो पुत्र। माता ने आपको पसंद कैसे कर लिया? मैंने तुम्हारी माता के लिए एक बार अपना रूप बदला था, किंतु तुम्हारी माता को मैं इसी रूप में प्रिय हूं, तो मैं क्या करूं? ये डमरू, ये सर, ये त्रिशूल, ये भस्म, इस रूप में ऐसा मनमोहक क्या है? ये विशेष प्रकार की मिठाई बना रही है। हाँ, इनके सुगंध से स्पष्ट होता है कि भोजन कितना स्वादिष्ट होगा। हाँ, इनका सेवन करने में कितना आनंद प्राप्त होगा। चुप। कुमार के सेवन करने से पहले इसके सेवन के बारे में सोचना भी वर्जित है। सुनो सुनो, अब उन्हें हम कुमार नहीं कहेंगे, अब वो हमारे इश है, समझ गए? इस संसार में, इस प्रकृति में तीन गुणों का समावेश है, रजस, तमस और सत। संसार के निर्मित रूप से चलने के लिए इन तीनों का संतुलन अनिवार्य है। ये मेरा त्रिशूल इन तीनों गुणों का प्रतीक है। किंतु पिताजी, राजस, तमस, तत्व गुण कैसे होते हैं, क्या होते हैं? प्रकाश, ऊर्जा, क्रोध, आवेश, गति, परिवर्तन, आकांक्षा, ये सब राजसिक गुणों के उदाहरण हैं। जन्म भी रजस है और बालपन भी रजस है। उसी प्रकार अहंकार, अज्ञानता, आलोचना, ईर्ष्या, द्वेष, मृत्यु, वृद्ध अवस्था, ये सभी तात्विक गुण के प्रतीक है, जैसा कि तुम देख सकते हो पुत्र।
इन दोनों का संतुलन बनाए रखना इस संसार के कल्याण के लिए अनिवार्य है, किंतु उसके लिए अनिवार्य है इनके समक्ष एक तीसरा गुण होना। उसी लिए उत्पत्ति हुई है सात्विक गुण की।